दोस्तों, दुनिया में हर एक चीज ऐसी होती है जिसका अपना ही अच्छा और बुरा अफेक्ट होता है। कुछ चीजें कम अफेक्ट होती है तो कुछ चीजें जानलेवा होती है। ये एक दिल दहला देने वाली बात है, लेकिन दुनिया कई ऐसे केमिकल से भरी हुई है जो कि आपकी जान मिनटों में ले सकती है। कुछ केमिकल तो इतने खतरनाक होते हैं कि बिना छुए भी आपका काम तमाम कर सकता है, और कुछ तो इतने खतरनाक होते हैं कि इसके एक ग्राम भी काफी होते हैं लाखों लोगों के जान लेने के लिए। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस पृथ्वी पर मौजूद कुछ जानलेवा केमिकल सब्सटेंसेस। इथिलीन ग्लाइकोल। दोस्तों, अगर आप इथिलीन ग्लाइकोल गलती से भी खा लेते हैं तो यह आपको कुछ दिनों में धीरे धीरे और दर्दनाक मौत दे सकता है, आपके पूरे इंटरनल ऑर्गन को बंद करते हुए। गलती से खाने की संभावना और इसलिए बढ़ जाता है कि इसका टेस्ट मीठा होता है। जब इस केमिकल का सेवन किया जाता है तब यह आपके बॉडी में रिएक्ट होकर ऑक्जेलिक एसिड बनाता है, जो कि बहुत ही बुरी खबर है। इस केमिकल की कॉम्बिनेशन सबसे पहले नर्वस सिस्टम, फिर किडनी और फिर आखिर में आपके दिल यानी कि हार्ट को डैमेज करता है। कई बार यह रिपोर्ट किया गया है कि अमेरिका में हर साल मौत की खबर इथिलीन ग्लाइकोल के सेवन एंटीफेज के रूप में सेवन करने से हो रही है। मीठे स्वाद और चमकीले रंग की वजह से कई देशों ने इसमें थोड़ा कड़वा स्वाद जोड़ने की कोशिश कर रही है, ताकि बच्चे इसे सोडा समझकर खाने की गलती ना करें। फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड। दोस्तों, फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड को दुनिया का सबसे ताकतवर एसिड माना जाता है। यह इतना ताकतवर है कि इसके बारे में पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो भी चीज इसमें डाली जाती है वो हर चीज को अपने में घोल लेता है और इससे एक जहरीला वाष्प निकलता है। इसे स्टोर करने का मात्र एक रास्ता है, और वो ये है कि कंटेनर यानी बर्तन में टेफ्लोन होना चाहिए। बाकी ताकतवर एसिड की तरह यह भी अन्य मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचता है, और वो भी इस हद तक कि उसके संपर्क में आने वाले हर मॉलिक्यूल्स को नष्ट कर देता है। एक गैलियम एलॉय का बना मजबूत चम्मच को भी इस फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड लिक्विड में डालते ही इसके साथ पल भर में ही क्या कर सकता है, ये आप वीडियो में देख सकते हैं। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसे आप नॉर्मल स्टैंडर्ड ग्लास बीकर में स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह एसिड उसे तुरंत ही नष्ट कर देगा। और अगर आप फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड से भरा बीकर ग्लास को आप अपने हाथों से उठाने की कोशिश करें तो आप अपने हाथों को भी अलविदा बोल सकते हैं। बोटुलिनम टॉक्सिन। दोस्तों, जब घातक और जानलेवा पदार्थों की बात आती है तो बोटुलिनम टॉक्सिन का जिक्र ना करना यह अपने आप में बेईमानी होगी। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया से बने हुए ये टॉक्सिन इतने जानलेवा है कि सिर्फ 1 सेंटीमीटर बूंद ही लाखों लोगों को मारने के लिए काफी है। अगर आप जरा सी मात्रा में इसका सेवन कर ले तो आपके शरीर के आपस की नसें एक दूसरे से कम्युनिकेट करना बंद कर देते हैं, जिससे कि आप पैरालाइज हो जाते हैं और फिर फेफड़े और दिल काम करना बंद कर देते हैं। इसी से भी आपकी मौत हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके लिमिट में इस्तेमाल किया जाए तो माइग्रेन की बीमारी और अंडर आर्म से आने वाली पसीने का इलाज हो सकता है। बोटुलिनम का एक और इलाज अलग किस्म का है, जिसे बोटुलिनम टॉक्सिन ए कहते हैं। ये बोटॉक्स में काफी जरूरी इंग्रेडिएंट है। जब काफी मात्रा में इसे इस्तेमाल करते हैं तो ये टॉक्सिन चेहरे की मांसपेशियों को आराम करने और झुर्रियों को कम करने के लिए इंजेक्ट किया जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, चेहरे की झुर्रियों को कम किया जा सकता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी बोटॉक्स इंजेक्ट करवाकर चेहरे की झुर्रियों को कम करने के लिए, कम उम्र के दिखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रिचनाइन। दोस्तों, स्ट्रिचनाइन मुख्य रूप से कीड़े मारने के लिए पेस्टिसाइड्स के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला स्ट्रिचनाइन इंसानों को भी मारने में असर कारक रहा है। अगर आपने इसे सूंघा, खाया या फिर गलती से आंखों में चला जाए तो मांसपेशियों में असहाय दर्द और घुटन महसूस होती है। यह सीधा आपके स्पाइनल कोर्ड पर हमला करता है, जो पूरे नर्वस सिस्टम का हब है, और यह उस सेल पर हमला करता है जो पूरे मसल को कंट्रोल करता है। और अगर ऐसा हुआ तो शरीर के सारे सिग्नल बिना किसी नियम के आपके नर्वस सिस्टम में पहुंचते हैं, जिसकी वजह से अचानक ही शरीर में खिंचाव महसूस होता है, फिर धीरे धीरे पूरे शरीर में भयंकर दर्द और असहनीय खिंचाव होता है, और फाइनली लंग्स काम करना बंद कर देता है, और उसके बाद आपकी मौत भी हो सकती है। ओ या, वाकई में ये बहुत बुरी चीज है। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने और जानने को जरूर मिला होगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। जल्द ही मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।